आइए सुर्खियों में है एक स्टॉक और वो है आईआई लिमिटेड। आईटीआई लिमिटेड के अभी अभी नतीजे आए हैं और नतीजे आते हैं, नतीजों के बाद टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आरएम अग्रवाल साहब जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आईटीआई लिमिटेड के, स्वागत है अग्रवाल साहब। शुक्रिया आपका जी बिजनेस के लिए वक्त देने के लिए और सबसे पहले इंटरव्यू देने के लिए भी। सबसे पहले ये बताएं सर, नतीजे कमजोर नजर आ रहे हैं, आय थोड़ी सी बढ़ी है लेकिन कामकाजी मुनाफा 15% घटा है, मुनाफा 45-46% घटा है और मार्जिन भी थोड़े घट कर आए हैं, तो क्या वजह रही है कि आपके आंकड़े थोड़े कमजोर दिख रहे हैं इस तिमाही के? देखिए, आंकड़ों पे ध्यान से अगर देखिए तो जो लास्ट ईयर हमारा पूरा फाइनेंशियल ईयर था 18-19, उसके कंपैरिजन में हमारी जो आय है लगभग 60% लगभग बढ़ी है। जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, पहले हमारा 92 था पूरे फाइनेंशियल ईयर का 18-19 में, 19-20 में हमारी जो आय है वो लगभग 151 करोड़ रुपए है। लास्ट ईयर हम लोग इबिट्टा नेगेटिव थे, इस बार पहली बार हम लोग लगभग 20 साल में इबिट्टा पॉजिटिव हुए हैं। लगभग 140-141 करोड़ का हमारा जो है हम लोग ऑपरेशनल प्रॉफिट में आए हैं। अब आपने जो आय घटने की बात करी, वो अगर आप क्वार्टर थर्ड से कंपेरिजन कर रहे हैं तो यस, क्वार्टर थर्ड के कंपेरिजन में थोड़ी सी हमारा जो प्रॉफिट कम हुआ है, जिसका रीजन बाकायदा सबको मालूम है। कोविड की वजह से जो हमारा लास्ट क्वार्टर काफी इफेक्ट हुआ है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे हमारा काफी मैन्युफैक्चरिंग उससे इफेक्ट हुई है। जो मैन्युफैक्चरिंग हुई वो डिस्पेस नहीं हो पाई, जो कि टर्नओवर में हमारा काउंट नहीं हो पाया। तो दैट वाज द मेन रीजन ऑफ द थर्ड फोर्थ क्वार्टर परफॉर्मेंस एज फार एज प्रॉफिट इज कंसर्न। फिर भी हमने कोशिश की थी कि टर्नओवर जितना भी हम मैक्सिमम कर सकते हैं फोर्थ क्वार्टर में किया जाए। ओके, एक जो खबर अभी अभी आई है आपके रिजल्ट के साथ कि आप इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेक महिंद्रा के साथ करार कर रहे हैं, मैं पहले इसी पर एक राय आपसे ले लूं, किस तरह का ज्वाइंट वेंचर, किस तरह का करार ये है, आपकी इक्विटी कितनी रहेगी, टेक महिंद्रा की कितनी रहेगी, किस तरह का बिजनेस होगा और इससे किस तरह के रेवेन्यू की उम्मीद की जाए? देखिए, ये अपने आप पे पूरे कंट्री के लिए अगर आप देखिए तो एक बहुत हिस्टोरिकल एमओयू साइन हुआ है। एमओयू तो ये हमारा एक प्रिंसिपल एमओयू है, मतलब एक अम्ब्रेला एमओयू है जिसमें हम लोग नॉट ओनली 4G 5G या जितना भी टेलीकॉम इक्विपमेंट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे कंट्री में, बल्कि जो हमारे आईटी के जो भी सर्विसेज की इसमें टेक महिंद्रा का ग्लोबल एक प्रेजेंस है, तो आईटीआई भी उनके साथ मिलकर नॉट ओनली लोकल मार्केट बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी उसको एड्रेस करेगी उन अपॉर्चुनिटीज को। सिमिलरली जो स्मार्ट सिटीज की जो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है उसमें भी हम लोग साथ साथ काम करेंगे। लेकिन जो प्रोजेक्ट इस एमओयू के तहत ले रहे हैं वो है कि जो 4G इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, बीएसएल का टेंडर भी आपको मालूम ही आया था जिसमें गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजंस लिए हैं और जिसमें आईटीआई और लोकल जो कंपनीज हैं उसको बहुत अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जा रहा है। तो आईटीआई इसमें एक लीड बिडर की तरह से काम सामने आएगा और टेक महिंद्रा उसमें ऐसे टेक्नोलॉजी पार्टनर की तरह से काम करेगा हमारा। और इसमें क्योंकि तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है केवल बेंगलोर में ही नहीं है बल्कि रायबरेली और मनकापुर भी स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हमारे पास है, तो जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम बहुत ही कम टाइम में मैन्युफैक्चर यहाँ पे कर सकते हैं। और इस 4G जो अपग्रेडेबल है 5G में इमीडिएटली, जब भी 5G आएगा तो इमीडिएटली वो 5G विद हार्डवेयर चेंज के सॉफ्टवेयर चेंजेस से अपग्रेड कर सकते हैं, तो ये सारी फैसिलिटीज बहुत जल्दी दे पाएंगे। और टेक महिंद्रा के साथ में ये सब चीजें साइन हो गई है, हम बहुत जल्दी ही अपना एक ऑफिशियल प्रपोजल DOT को BSL को सबमिट करने वाले हैं हम एज ए ज्वाइंट फोरम के रूप में। ओके, चलिए टेक महिंद्रा के साथ एक करार, अभी डिटेल्स आना बाकी है। कुछ डिटेल्स और चाहिए सर आपसे, क्योंकि अभी अभी सरकार ने जो फैसला लिया है कि भाई टेलीकॉम इक्विपमेंट जो है वो चाइना से नहीं मंगवाए जाएंगे, BSNL को मना कर दिया गया है, बाकी निजी कंपनियों को भी मना कर रहे हैं, सबको उम्मीद ये है कि आईटीआई को ऑर्डर्स मिलेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या वाकई में आईटीआई को ऑर्डर्स मिलेंगे, मिलेंगे तो कितने, कितना बिजनेस, कितना रेवेन्यू आप इससे देख रहे हैं, कुछ फायदा होगा सर? देखिए, अल्टीमेटली ऑर्डर्स जो आपको मिलने होते हैं वो ऑर्डर्स कोई देता नहीं है, ऑर्डर्स तो आपको अपनी कॉम्पिटेंसी पे और अपनी जो प्राइस सिस्टम पे उसको आपको विन करना होता है। तो आईटीआई क्योंकि पहले से भी हम लोग इक्विपमेंट जो बना रहे हैं, जैसे मैंने कहा था कि हम SDPE बनाना शुरू कर दिया है, ऑप्टिकल फाइबर बना रहे हैं या जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं सब बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, बल्कि हम लोग बाकी जितनी भी कंपनीज काम कर रही है उससे काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिवनेस से काम कर रहे हैं। आईटीआई का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो जो हम वॉल्यूम में हम काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट इफेक्टिव हो जाते हैं। अब इसका सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि अब केवल
जो भारत सरकार की जो पब्लिक सेक्टर्स से हैं, हमारे टेलीकॉम पब्लिक सेक्टर्स से हैं, बीएसएनएल लिमिटेड, उसके अलावा जो एयरटेल है, वोडाफोन है, रिलायंस है, जो अभी तक भी होगा, एक बार जब टेक महिंद्रा के साथ हम लोग काम करेंगे, इसके साथ हम और भी कंपनीज के साथ मिलकर काम हमने करना शुरू कर दिया है 4G 5G के अलावा, बाकी जो जितनी भी दूसरी टेक्नोलॉजी है, जो चाहे तो माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी है, चाहे वो जैसे यू बैंड, बी बैंड, ई बैंड, बी बैंड में बहुत जल्दी सरकार की नीतिगत घोषणा की हम उम्मीद कर रहे हैं, तो उसकी भी हमने प्लानिंग कर ली है। तो इसका पूरा का पूरा फायदा इस सेंस में मिलेगा कि हम इक्विपमेंट बनाने की पोजीशन में हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके हम वो इक्विपमेंट बनाएंगे, और कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस अगर हम होंगे तो डेफिनेटली जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं हमारे टेलकोज हैं, यहाँ के इंडियन टेलकोज हैं, तो वो डेफिनेटली भारत सरकार के जो आत्मनिर्भर प्लान है उसके अंतर्गत भी और अदरवाइज भी ITS से इक्विपमेंट लेना चाहेगी। अब इसको रेवेन्यू टर्म्स में अभी कहना इसलिए मुश्किल है कि लगभग 30% हमारा इक्विपमेंट चाइना से अभी आ रहा था प्राइवेट सेक्टर्स को, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो ITI मुझे लगता है कि इस साल हम उस पर काम करेंगे तो कुछ ना कुछ तो टर्नओवर इस साल हम निकाल के लाएंगे उसमें से, और डेफिनेटली अगले सालों में ITI एक दोबारा से जो अपनी जो ओल्ड मेज बनाई हुई थी, हमने फर्स्ट 50 ईयर्स में वी वर द ओनली सप्लायर ऑफ द टेलीकॉम इक्विपमेंट, तो आगे हम इस तरह से इसी काम करेंगे कि हम मतलब जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिक्वायरमेंट होगी, कंट्री की रिक्वायरमेंट होगी, उसको हम सप्लाई कर सके। ठीक बात है। एक और बात जो अभी चूंकि चीन के साथ सीमा पर तनाव चल रहा था और उसमें जो भी होता है तो डिफेंस कंपनी पर थोड़ा फोकस बढ़ जाता है, आपका भी लगभग 35% रेवेन्यू डिफेंस से आता है, क्या कहीं अगले एक दो तिमाहियों में आपके डिफेंस के रेवेन्यू में इजाफा होने की, बढ़ोतरी होने की कोई संभावना है? कितने ऑर्डर्स आपके पास हैं, कुछ अगर बता पाए तो आप। देखिए डिफेंस के हमारे पास एक कंसिडरेबल ऑर्डर समय से हमारे पास रहते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था जो जिसकी हम काफी टाइम से लगातार बात कर रहे हैं और जिसके बारे में बस एक फाइनल डिसीजन होना बाकी है, तो जैसे ही ऑर्डर हमारे पास आता है, बिल्कुल फाइनल स्टेज में वो ऑर्डर है, लगभग 7,000 करोड़ का ऑर्डर है, और उसकी इस समय बहुत ज्यादा जरूरत भी है, मतलब हमारे डिफेंस फोर्सेस को भी जरूरत है, भारत सरकार को भी जरूरत है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो जैसे ही ऑर्डर हमारे पास आता है तो लगभग 7,000 करोड़ का वो ऑर्डर है, जिसमें 4,000 करोड़ का कैपेक्स है और 3,000 करोड़ का ओपेक्स है। जो कैपेक्स है वो 3 साल का प्लान है, बट डेफिनेटली उसको क्योंकि अब सरकार की जरूरत जरूरत है हम जल्दी जल्दी उसको कर सके, तो मुझे लगता है कि मतलब इसमें हम बहुत अच्छे से हमने तैयारी अपनी कर रखी है, जैसे ऑर्डर हमको मिलेगा तो हम बहुत तेजी से उस पर काम करेंगे। इसके अलावा जो डिफेंस के हमारे एनकैप्टेड इक्विपमेंट्स होते हैं, माइक्रो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो उसकी मेंटेनेंस चलती है, एमसीज जो पुराने हमारा नेटवर्क लगा हुआ है वो तो लगातार हमारा चल ही रहा है, और इसके अलावा जो नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम है उसमें भी हम काफी इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं, तो एक अच्छा खासा इक्विपमेंट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, नेटवर्क मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन जो बड़ा ऑर्डर अभी आने वाला है उसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं, जैसे भी ऑर्डर आएगा तो उससे बहुत एक इजाफा हमारे रेवेन्यू में भी होगा, टॉप लाइन में भी होगा, बॉटम लाइन में भी होगा। वंडरफुल अग्रवाल, एक बात और बताएं, चूंकि आपने फेस शील्ड बनाने की शुरुआत कर दी है, बहुत सारे लोग लाइन लगाकर खड़े हैं तैयार कि हमें बस सप्लाई मिलना शुरू हो, सबसे पहले किसे आप सप्लाई करेंगे, सबसे पहले किसे बेचेंगे? नहीं ये तो हमने ऑलरेडी ऑर्डर्स तो हमारे पास काफी आ रहे हैं, हमने तो इसको देना शुरू कर भी दिया है, मतलब उसमें ऐसा नहीं मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात है, बट कुछ ऑर्डर्स हमारे पास काफी बड़े ऑर्डर्स भी आए हैं, उसमें 5 लाख का एक ऑर्डर हमारे पास आया सबसे बड़ा ऑर्डर, तो डेफिनेटली उस ऑर्डर को मीट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी 15 आएंगे, लेकिन जो छोटे छोटे ऑर्डर्स हमारे पास 10,000 के आ रहे हैं, 5,000 के आ रहे हैं, या कुछ इवन हमने अब क्योंकि अपने को अमेजोन पे भी हमने रजिस्टर कर लिया है, फ्लिपकार्ट पे भी कर लिया है, जेम पोर्टल पे भी कर लिया है, तो हम हर सेगमेंट के जो कस्टमर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं, चाहे वो मिनिमम 5 नंबर्स है और मैक्सिमम तो कोई लिमिट ही नहीं है, मैक्सिमम हमारे पास 5 लाख तक के ऑर्डर आज के दिन में आए हुए हैं, तो हमारी कैपेसिटी इस समय लगभग 5 लाख की पर मंथ फेस शील्ड बनाने की हो चुकी है, जिसको अगले महीने में हम लगभग 15 लाख कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है, लगभग 15 दिन इंतजार करना पड़ रहा है, बट बहुत जल्दी इसको हम रैंप अप कर लेंगे, और फेस शील्ड हमारा बहुत पॉपुलर इसलिए भी हो रहा है, मैंने बताया था कि वो इको फ्रेंडली है, जो नॉर्मली जो मार्केट में या जो एयरलाइंस में लोग इसको यूज कर रहे हैं वो प्लास्टिक की शीट है, वो ना तो आपको रीयूज कर सकते हैं और वो बॉडी को टच करती है तो थोड़ा इरिटेशन भी होता है, फॉर्म जो है उसको इरिटेट करता है, बट हमारा जो ABS है इट इज वेरी वेरी इको फ्रेंडली और बहुत बहुत लाइट वेट है, तो रीयूजेबल थोड़ी बात तो ये कि उसको हम रीयूज कर सकते हैं, उसकी काफी डिमांड आ रही है और हम लोग बहुत लोग अप्रोच भी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव भी है, जो मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, तो मैक्सिमम हम चाहते हैं पब्लिक उसका यूज करे ताकि
जो इस समय रिक्वायरमेंट है कंट्री की उसको भी हम पूरा कर सके। और इस तरह से कहीं ना कहीं जो आईटीआई का ब्रांड नेम पहले फर्स्ट 50 ईयर्स में हुआ करता था, जिसमें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग काम शुरू किया था, तो दोबारा से उसको हम लॉस्ट ब्रांड नेम को हम रिगेन कर सकें, उसी पर्पज के साथ हम लोगों ने फैशन काम शुरू किया है। इसके अलावा वेंटिलेटर के बारे में भी बताना होगा आपको, वेंटिलेटर का भी के साथ मिलकर हम उसकी टेस्टिंग के लिए भिजवा देंगे, और जैसे ही वेंटिलेटर हमारे वो टेस्ट रिजल्ट्स के साथ आ जाते हैं तो हम मास मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, तो परफेक्ट। भले पीएसयू है, सरकारी क्षेत्र की कंपनी है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की तरह काम करती हुई। हालांकि अभी तक अग्रवाल साहब ने ये बताया नहीं कि कितने ऑर्डर्स डिफेंस से मिलेंगे, कितने ऑर्डर्स टेलीकॉम सेक्टर से मिलेंगे, कितना फायदा टेक महिंद्रा के साथ के करार का होगा, आंकड़े नहीं बताए। मैं किसी दिन और फिर करूंगा अग्रवाल साहब आंकड़े सुनने के लिए, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नतीजों पर हमसे बातचीत करने के लिए और दर्शकों को बताने के लिए। और हाँ, आपके फेस शील्ड का इस्तेमाल मैं करके देखता हूँ, आपने कहा इको फ्रेंडली है, ये बहुत बढ़िया बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे लिए वक्त निकाला आपने और अपनी राय रखी अपने पूरे नतीजों का। जी धन्यवाद। आइए।